इस पोखर के बहुत पुराने 100 वर्ष पहले का बना हुआ है। एक दीनदयाल बरैया पोखरा के नाम से प्रसिद्ध है और ये इसमें ना माछ मछली कोई मारता नहीं है, ना यहाँ पर कोई खाता है चितवड़ागा में। और इसके उपलक्षता है कि इसको समाज सब लोग इसको देख रेख करते हैं, जो कि बरैया के यहाँ के पोखरे की प्रतिष्ठा बनी रहे। और यहाँ पे वे अपने पैसे से, जो दीनदयाल बरैया जो बरई थे, वो अपने पैसा से इसको बनवाए हैं, इसको निमा के हैं। इसमें इतनी मछलियाँ, छोटी बड़ी मछलियाँ, तो क्या होता है इन मछलियों का? कोई मारता नहीं है, कोई कोई मर जाता तो उसको निकाल के लोग गड़वा देते हैं ज़मीन पे, और इसको कोई मारता नहीं है। तो क्या वजह है कि पूरे चितवड़ागा एरिया में मांस मछली नहीं कोई खाता, न दुकानें अंडा तक जी? यहाँ पे गुलाल साहब भीखा साहब के एक प्रतिष्ठित साधु संतों की नगरी है, उन लोग का श्राप है कि जो यहाँ मीट मछली खाएगा उसका नाश होगा, उससे कोई विकास नहीं होगा, इसलिए कोई नहीं खाता है। तालाब का आज से लगभग 450 वर्ष पहले वो तालाब और मंदिर बनाए गए दीनदयाल भगत जी के द्वारा, और वहाँ पर उसमें मछली पाली गई है। सौभाग्य से इस नगर का इतिहास ये रहा है, पूरे गांव के सहयोग से यहाँ बाजार में कच्चा या पक्का मांस मछली नहीं बिकती। क्या वजह है कि यहाँ बाजार में मांस मछली अंडा तक नहीं बिकता है? यहाँ चूँकि बाबा जितेश्वरनाथ जी का मंदिर है एवं रामशाला गद्दी वगैरह है, ये भक्तों का नगर रहा है। चितनाथ के नाम पर इस नगर का नाम चितवड़ागा पड़ा। पहले चितेश्वर बड़ा गांव था, अंग्रेजों ने इसका नाम उलट करके चित बड़ा गांव रख दिया। तालाब में कितनी मछलियाँ होंगी और कितने वजन की लेकर? लगभग कम से कम 10 किलो से लेकर के और 1 से 1.5 क्विंटल तक की लगभग मछलियाँ है। तालाब का पानी क्या बदलता है, बदलाया जाता है? तालाब का पानी प्राकृतिक ढंग से बदलता रहा है।